गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ यार मैं आज आपके सामने एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का लेक्चर लेके, जिसमें हम देखेंगे कि यार ये एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या काम करता है। बेहद दिलचस्प लेक्चर है, आपको मजा आएगा और बहुत सारी चीजें मैं आपको इतनी डिटेल में बताऊंगा इसके अंदर, जो शायद CCNA में भी नहीं है, उससे भी हायर लेवल की चीजें, और आपको बड़ा मजा आएगा उसको जानने के बाद, और वो आपको किसी किताबों में नहीं मिलेगा, इवन टॉड लैमेले में भी उतना डिटेल में नहीं है, राइट। So basically ARP काम क्या करता है, ARP finds MAC address of a host from its known IP address। भैया ARP का काम होता है कि अगर दो devices आपस में communicate करना चाहते हैं, for example ये एक PC है और ये दूसरे PC के साथ communicate करना चाहता है, तो दो चीजों का पता होना जरूरी है, एक तो इसके IP एड्रेस का और दूसरा इसके MAC एड्रेस का, तभी ये दोनों बात कर सकते हैं। दोनों चीजें अगर हमें मालूम है तभी दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अगर एक भी चीज मिसिंग है, चाहे वो IP हो डेस्टिनेशन का, चाहे वो MAC एड्रेस हो डेस्टिनेशन का, अगर डेस्टिनेशन का एक भी चीज आपका मिसिंग है तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इसीलिए अगर कोई मेरा डिवाइस है और वो दूसरे डिवाइस का IP एड्रेस तो जानता है, बस उसका लेयर 2 यानी कि MAC एड्रेस नहीं जानता, क्योंकि आप याद रखिएगा जब कम्युनिकेशन होता है तो लेयर 2 पे आपको पता है डेटा लिंक लेयर पे MAC एड्रेस रीड होता है और नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस रीड होता है। तो डेटा लिंक लेयर का जब तक लेयर 2 का आपको MAC एड्रेस मालूम नहीं होगा, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि लेयर 2 पे MAC एड्रेस लगना ही लगना है, एनकैप्सुलेशन के टाइम पे MAC एड्रेस का होना जरूरी है। तो ऐसे केस में जब ये सिस्टम को दूसरे का आईपी एड्रेस तो पता है बट मैक नहीं मालूम है, उस केस में आर्प रिक्वेस्ट भेज के हम उसका मैक एड्रेस मालूम करते हैं, राइट। तो बड़ा सिंपल ये है कि लॉजिकल एड्रेस अगर आपको मालूम है और आप लॉजिकल एड्रेस आपको मालूम है और आप उस लॉजिकल एड्रेस के बेस पे फिजिकल एड्रेस को रिजॉल्व करते हो, इसका दैट इज नोन एज आर्प या फिर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, राइट। तो आर्प कहा जाता है लॉजिकल एड्रेस को, जब हम हेल्प से फिजिकल एड्रेस को रिजॉल्व करते हैं, जब हम उसको फाइंड आउट करते हैं, दैट इज नोन एज आर्प या फिर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। किस लेयर पे काम करता है, भैया लेयर 2 पे काम करता है, लेकिन इसके साथ बड़े सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लेयर 3 पे काम करता है, या कुछ कहते हैं लेयर 2.5 पे काम करता है, क्योंकि ये आईपी भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर हम इसका हेडर देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि यहां पे सेंडर का प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि उसका आईपी एड्रेस भी इन्वॉल्व है। तो अगर कोई प्रोटोकॉल ऐसा है जिसमें आईपी एड्रेस भी इन्वॉल्व है, इट मींस वहां पे लेयर 3 इन्वॉल्व है, तो आप उसे लेयर 2 नहीं कह सकते। तो ये एक बड़ा सारा कंफ्यूजन है, बट मैं आपको बता दूं ये लेयर 2 है। अगर आपके कभी सवाल में आता है कि आर्प क्या होता है, तो आर्प इज अ लेयर 2 प्रोटोकॉल या फिर 2.5 भी आप कह सकते हैं, बिकॉज पर 3 नहीं कहेंगे आप। रीजन क्या है, लेयर 2 क्यों कहेंगे, क्योंकि आप जो एड्रेस रिजॉल्व कर रहे हैं दैट इज मैक एड्रेस, आप लॉजिकल एड्रेस के बेस पे रिजॉल्व क्या कर रहे हैं, फिजिकल एड्रेस, और फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस किस लेयर पे काम करता है या अवेलेबल होता है, दैट इज ऑन लेयर 2 डेटा लिंक लेयर। इसीलिए ये प्रोटोकॉल किस लेयर का माना जाएगा, लेयर 2 का माना जाएगा, क्योंकि आप जो चीज रिजॉल्व कर रहे हो वो एक्चुअल में लेयर 2 की है, राइट। सो इट इज अ लेयर 2 प्रोटोकॉल, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ARP request is a broadcast, आप always याद रखिए कि जब ये इसका MAC address पता करने के लिए इसको request करेगा, उस चीज को बोला जाएगा ARP request। जब sender जो है वो destination से उसका MAC address पता करने के लिए उसको request भेजेगा, that is known as ARP request। ये हमेशा broadcast की जाती है, but जब destination से response आएगा, ARP response या ARP reply, वो हमेशा unicast होता है, वो कभी broadcast नहीं होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर ये चीजें अभी आपको थोड़ी confusing लग रही है, डोंट वरी, आप लेक्चर पूरा देखें, सारी कहानी समझ आ जाएगी मेरे एज यूजुअल सारे लेक्चर्स की तरह। तो आपको ये याद रखना है, ARP request is a broadcast, जब sender destination को MAC address मालूम करने के लिए request भेजेगा, तो वो सिर्फ उसको नहीं भेजता, वो सबको भेजता है, so that is broadcast। but जब उस बंदे, वो बंदा reply करेगा, तो वो unicast करेगा, because उसको मालूम है कि किसने भेजा है, वो कहानी अभी हम समझेंगे। ARP concept only used in IPv4 environment, IP version 6 के अंदर ARP का concept नहीं होता, ARP का concept सिर्फ IP version 4 के अंदर होता है। उसके अलावा ARP is never generated for the device of other network। अगर दो डिफरेंट नेटवर्क हैं, आपको पता है डिफरेंट नेटवर्क क्या होते हैं, जिनकी नेटवर्क आईडी अलग होती है, सपोज ये एक नेटवर्क है और एक नेटवर्क 20 का है,
तो अगर दो डिफरेंट नेटवर्क लगे हुए हैं, एक कंप्यूटर इस नेटवर्क का है और दूसरा कंप्यूटर इस नेटवर्क का है, तो आर्प रिक्वेस्ट कभी जनरेट नहीं होगी। आर्प रिक्वेस्ट कभी भी डिफरेंट नेटवर्क के लिए जनरेट नहीं होती। यानी ये सिस्टम के पास ये आईपी का नेटवर्क चल, ये नेटवर्क का आईपी चल रहा है, सपोज इसके पास आईपी जो है वो ये है और यहाँ पे आईपी जो है वो 20 है, 20.0.0.20। तो अगर ये इससे बात करना चाहता है, इसको इसका आईपी मालूम है, डेस्टिनेशन का आईपी मालूम है और इसका मैक पता करना चाहता है और ये आर्प रिक्वेस्ट भेजे, तो आर्प रिक्वेस्ट जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि आर्प रिक्वेस्ट सिस्टम में तब जनरेट होता है जब सेम नेटवर्क हो, सेम नेटवर्क आईडी अगर होती है तब ही आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होती है, अदरवाइज आर्प रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होती। ये बहुत आप कह सकते हैं बड़ी गहराई वाली बातें हैं जो आपने अपने जहन में बिठा के रखनी है कि आर्प रिक्वेस्ट हमेशा सेम नेटवर्क आईडी के लिए जनरेट होती है। अगर दो डिफरेंट नेटवर्क आईडी है, दिस इज डिफरेंट नेटवर्क आईडी एंड दिस इज डिफरेंट नेटवर्क आईडी, दो अलग नेटवर्क है ये, राइट, तो इनके लिए आर्प रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी। अगर सेंडर का ये आईपी है और रिसीवर का ये आईपी है तो फिर आर्प रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी, फिर वो क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो कुछ ये बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा अब जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो है आर्प कितने टाइप का होता है। तो भैया आर्प होता है चार टाइप का। सबसे पहले नॉर्मल आर्प, जिसे हम सिर्फ आर्प कहते हैं, कुछ और नहीं कहते, राइट, एआरपी या एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जो दूसरे नंबर पर आता है दैट इज प्रॉक्सी आर्प, राइट, प्रॉक्सी आर्प का भी बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है तो उसको हम देखेंगे। तीसरा होता है रिवर्स आर्प, जो जस्ट अपोजिट होता है। अगर फिजिकल एड्रेस की हेल्प से आप लॉजिकल को रिजॉल्व करते हैं तो रिवर्स करते हैं आप, यानी फिजिकल आपको मालूम है, लॉजिकल आपको पता करना है, तो आप रिवर्स आर्प का इस्तेमाल करेंगे, राइट। और ये जनरली डीएससीपी सर्वर के साथ जो है ना, इसका बड़ा लिंक है, क्योंकि डीएससीपी सर्वर क्या करता है, आपको आईपी रिजॉल्व करके देता है। आप एक कंप्यूटर और आपको आईपी एड्रेस चाहिए तो आप डीएससीपी सर्वर को रिक्वेस्ट करते हो, राइट, तो वहां पे ये रिवर्स आर्प का कांसेप्ट इस्तेमाल होता है। और यह है ग्रेशियस आर्प। ग्रेशियस आर्प अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, जहां आप आईपी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हो, या फिर आप ये समझे कि अगर 500 कंप्यूटर लगे हुए हैं और उनमें किन्हीं दो कंप्यूटर को सेम आईपी तो नहीं मिल गया, ये हम चीज अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो हम ग्रेशियस आर्प का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बाकी आर्प से थोड़ा अलग है, राइट। तो ये चार तरीके के आर्प होते हैं जिसको अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन उन सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आर्प का हेडर या फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है। आर्प रिक्वेस्ट जो जाती है उसका फॉर्मेट क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, बीटेक का, सीएस में या बीसीए का, व्हाटएवर, जहां पर भी, तो ये आपको अपने एग्जाम में बनाना पड़ सकता है। तो आर्प पैकेट की जो रिक्वेस्ट है वो कुछ इस तरीके से नजर आती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है बड़ा। सबसे पहले इस पैकेट फॉर्मेट में जो आर्प की रिक्वेस्ट जाती है, आर्प रिक्वेस्ट का ये पैकेट है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो फील्ड आपको नजर आ रही है दैट इज हार्डवेयर टाइप। हार्डवेयर टाइप के अंदर आप टाइप ऑफ नेटवर्क कह सकते हैं, आप इथरनेट पे भेज रहे हैं, आप वायरलेस भेज रहे हैं, या आप किसी और फॉर्म में भेज रहे हैं, वो यहाँ पे नजर आएगा हार्डवेयर टाइप क्या है, राइट। उसके लिए कोड यहाँ पे लिखा हुआ होगा, जनरली इथरनेट रहता है कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर, के ऊपर, तो यहां पे हार्डवेयर टाइप आ जाएगा इथरनेट 10 Mbps, राइट। प्रोटोकॉल टाइप होता है जनरली आपका आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6, तो ये बाय डिफॉल्ट आईपी वर्जन 4 ही रहेगा क्योंकि आईपी वर्जन 6 पे आर्प होता ही नहीं है, तो प्रोटोकॉल टाइप में आ जाएगा आपका आईपी वर्जन 4। उसके बाद हार्डवेयर लेंथ, हार्डवेयर लेंथ का मतलब है मैक एड्रेस, तो ये जनरली होता है आपका कितना, 6 बाइट्स का, राइट, क्योंकि मैक एड्रेस जो होता है वो आपका 6 बाइट का होता है, तो हार्डवेयर लेंथ का मतलब हो गया आपका मैक एड्रेस, राइट। तो हार्डवेयर लेंथ में मैक एड्रेस ये फिक्स रहेगा 6 बाइट, क्योंकि मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है तो, और एक बिट में 8 बाइट होते हैं, तो वो 6 बाइट्स हो गया। प्रोटोकॉल लेंथ की बात करें तो ये आईपी की लेंथ है, ये भी फिक्स रहेगी कितना, 4 बाइट, राइट, तो ये भी आपको मालूम है आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है या फिर 4 बाइट्स आप उन्हें कह सकते हैं, तो ये यहाँ पे फिक्स रहेगी। ऑपरेशन में आप इसे अगर सेंडर भेज रहा है तो रिक्वेस्ट का होगा, यहाँ पे फील्ड में 1 लिखा हुआ रहेगा इस ब्लॉक के अंदर, और अगर रिप्लाई आ रहा है तो यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, तो पैकेट समझ आ जाएगा कि ये रेस्पॉन्स है जो डेस्टिनेशन ने सेंडर को भेजा है, तो फिर ये फील्ड 2 हो जाएगी। तो 2 होता है रेस्पॉन्स के लिए, फर्स्ट होता है, 1 होता है रिक्वेस्ट के लिए। सेंडर हार्डवेयर एड्रेस आपको मालूम है कि ये जैसे मेरा सेंडर है तो इसका कोई हार्डवेयर एड्रेस होगा, मैक एड्रेस होगा, तो वो हो सकता है सपोज AA और कॉलन BB कॉलन CC कॉलन DD कॉलन EE, हम इस तरीके से मान लेते हैं, और कॉलन FF, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल हो गया आपका 48 बिट्स, राइट, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में मैंने लिखा है, तो ये टोटल 8 बिट्स होती हैं, तो ये 8 हो गए, ये भी 8 हो गए, ये भी 8, ये भी 8, 8 और 8 16, 16 और 16 32, 32 और 16
48, राइट। तो 48 का ये यहाँ पे एक सेंडर एड्रेस आ जाएगा, राइट। सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस का मतलब है सेंडर का आईपी एड्रेस, तो इस सेंडर का कोई आईपी एड्रेस भी होगा, सपोज हम मान लेते हैं 10.1.1.1, ये इसका आईपी एड्रेस है। टारगेट हार्डवेयर एड्रेस, ये आपको नहीं मालूम, क्योंकि यही आपको रिजॉल्व करना है। आपको उसका बंदे का आईपी एड्रेस तो मालूम है, बट आपको उसका मैक एड्रेस ही तो मालूम करना है। तो इसमें आप क्या भेजोगे, इसमें आप खाली भेजोगे, तो यहाँ पे रहेंगे ऑल जीरो, राइट। तो यहाँ पे ऑल जीरो सेंड हो जाएंगे, तो यहाँ पे 000 की फील्ड सेंड हो जाएगी। ये जो पूरा 48 बिट्स है ये जीरो जाएंगी, राइट। तो 48 बिट्स का आप जीरो भेजेंगे, तो टारगेट हार्डवेयर एड्रेस जीरो रहेगा। टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो है वो आपका, जो आपको मालूम होगा आप किससे बात करना चाहते हैं, तो सपोज 10.1.1.3 से आप बात करना चाहते हैं और उसका मैक एड्रेस आपको मालूम करना है, तो ये आप इस तरीके का पैकेट उसको भेजेंगे। फिर वहां से एक रिस्पांस आएगा, दैट वी विल डिस्कस, राइट। तो अभी वो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल मैंने आपको पैकेट फॉर्मेट समझा दिया है कि आर्प का पैकेट कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या फील्ड्स होती हैं, ये आपको समझ आ गया, बेहद आसान है, आपको नजर आ गया चार टाइप का आर्प होता है और आर्प के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम समझते हैं आर्प की प्रोसेस क्या होती है, आप किस तरीके से मैक एड्रेस को रिजॉल्व करता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो अब हम अपने आर्प के प्रोसीजर को देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्विच लगाते हैं, और इस स्विच में सपोज करो कि मेरे पास यहां पे चार पीसी कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल, और स्विच के साथ, और स्विच की खासियत होती है कि इसके नेटवर्क पे सेम नेटवर्क आईडी काम करती है, यानी एक स्विच पे कभी भी दो डिफरेंट नेटवर्क आईडी या दो डिफरेंट नेटवर्क नहीं हो सकते, क्योंकि स्विच हमेशा एक लैन क्रिएट करता है, राइट। तो वहां पे हमेशा सेम नेटवर्क होता है, सेम नेटवर्क आईडी होती है। तो यहाँ पे सपोज करो नेटवर्क है, आईपी दी हुई है मैंने 10.0.0.1, इसको आईपी दी है 10.0.0.2, इसको आईपी दी है 10.0.0.3 और इसको दिए 10.0.0.4। ये चारों आईपी मैंने दे दी, सेम नेटवर्क की हैं, और इसका मैक एड्रेस है ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी फॉर एग्जांपल, राइट। और अब जो है ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ए जो है वो सी से बात करना चाहता है, तो ए को इसका आईपी एड्रेस तो मालूम है, बट ए को इसका मैक एड्रेस नहीं मालूम, राइट। और जब तक इसे उसका मैक एड्रेस नहीं मालूम होगा, डेटा सेंड नहीं हो सकता, राइट। तो इन सभी पीसी को एक दूसरे का मैक एड्रेस मालूम होना चाहिए। कैम टेबल स्विच एक मेंटेन करता है, आपको मालूम है। तो आप स्विच अपने कैम टेबल में देखेगा कि क्या मेरे पास सी का आईपी है, तो सॉरी मैक एड्रेस है, तो नहीं है। स्विच क्या करता है, स्विच एक कैम टेबल मेंटेन करता है, जिसमें वो क्या करता है, वो आईपी और उसका कोरस्पॉन्डिंग मैक अपने पास रखता है, राइट। तो सपोज करो 10.4 जो है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, 10.4 जो है उसका मैक है ए, 10.3 का मैक है बी, और 10.1 का मैक है डी, और 10.2 का मैक उसको नहीं मालूम, राइट। तो स्विच के पास ये मैक एड्रेस नहीं है फॉर एग्जांपल। तो स्विच क्या करेगा, अगर ए ने बात करनी है सी से, तो ए को आईपी एड्रेस तो मालूम है, बट ए के पास मैक नहीं है और स्विच भी नहीं जानता मैक कहाँ है। तो ऐसे में ए क्या करेगा, ए एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा स्विच के पास, ताकि उसको पहले मैक एड्रेस मालूम चल जाए। ऐसा क्यों करते हैं ये, बिकॉज जो इनका हेडर होता है, जो ये डेटा भेजते हैं एनकैप्सुलेट करके, वहां पे चार चीजें जाती हैं डेटा के साथ। डेटा को भेजने के लिए हमारे पास चार चीजों का होना जरूरी है, पहला सोर्स आईपी, दूसरा डेस्टिनेशन आईपी, तीसरा सोर्स मैक एड्रेस, और चौथा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ये चार चीजें डेटा के साथ लगा के भेजोगे तभी आपका डेटा पहुंचेगा। तो इस समय मेरे इस पीसी वन के पास, जो कि मेरा सोर्स है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको सोर्स बना देता हूं, और ये मेरा डेस्टिनेशन है। तो पीसी वन के पास सोर्स आईपी तो है, क्योंकि उसको खुद का आईपी मालूम है, और उसको डेस्टिनेशन का आईपी भी मालूम है, बट उसको डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं मालूम। और जब तक मैक एड्रेस वो यहां नहीं भरेगा, वो इस पैकेट को, इस जो उसका ये डेटा है, इसके साथ जो पैकेट जा रहा है, हेडर जा रहा है, वो जब तक उसको नहीं भेज सकता, वो स्विच के पास जाएगा, स्विच को नहीं पता। क्योंकि आपने कोई लिफाफा भेजा है और एक अपार्टमेंट के अंदर एड्रेस थी, सब कुछ है, लेकिन लिफाफे पे एड्रेस लिखा है, रिसीव करने वाले का नाम नहीं लिखा, तब भी वो लिफाफा जो है सेंड नहीं हो पाएगा। हो सकता है उस घर में कई सारी फैमिली रहती हो या कई सारे
लोग रहते हो और वो कॉन्फिडेंशियल बैंक का आपका एटीएम का कार्ड है या कुछ भी है, तो वो उसी को दिया जाएगा जो वो बंदा है, तो उसका नाम ही नहीं लिखा तो फिर वो रिसीव नहीं होगा, राइट। तो ऐसे केस में आपके पास आईपी के साथ साथ उस हार्डवेयर का मैक एड्रेस होना भी जरूरी है, तभी आपका ये डेटा सेंड होगा, राइट। तो आपके पास सोर्स आईपी तो है, सोर्स आईपी आपकी क्या है, सोर्स आईपी आपकी हो जाएगी 10.0.0.4, डेस्टिनेशन आईपी आपकी हो जाएगी 10.0.0.2, सोर्स मैक हो जाएगा आपका ए, और डेस्टिनेशन मैक आपका क्या है आपको नहीं मालूम, राइट। तो ये चार चीजें आपके पास हैं, जिसमें से एक चीज आपको अभी नहीं मालूम। तो इस चीज को मालूम करने के लिए आप क्या करते हो, आप एक आर्प रिक्वेस्ट का हेडर एक जनरेट करते हो, एक आर्प रिक्वेस्ट आप जनरेट करते हो, जिसमें आप क्या करोगे, आप अपना सोर्स आईपी लिखकर भेजोगे। तो आपका सोर्स आईपी क्या है, आपका सोर्स आईपी है 10.0.0.4, उसके बाद आप डेस्टिनेशन आईपी लिखोगे जो आपको मालूम है 10.0.0.2, उसके बाद आप सोर्स मैक लिखोगे, आपका मैक एड्रेस है ए, मैंने एबीसीडी करके लिखा है, वैसे मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है तो आपके आपको समझ आ जाए उसके लिए एबीसी लिखा है, और आप भी एग्जाम में ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और डेस्टिनेशन मैक में आप क्या लिखोगे, आर्प रिक्वेस्ट के अंदर, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले थ्योरी में कि आर्प रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट की जाती है, तो डेस्टिनेशन मैक के अंदर क्या आएगा, जब भी आप आर्प रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो वो स्विच के ऊपर सभी के पास ब्रॉडकास्ट की जाती है, ताकि जिस भी बंदे को हम ढूंढना चाहते हैं वो रिप्लाई करे, राइट। तो आर्प रिक्वेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, सभी फील्ड में एफएफ लिख के भेज देंगे, ये मैक ब्रॉडकास्ट होता है तो मैक ब्रॉडकास्ट में सारी फील्ड एफएफ रहती हैं, राइट। तो ये मेरा मैक ब्रॉडकास्ट है 48 बिट का, तो मैं इसे भेज दूंगा, राइट, मैं इसे स्विच के पास भेजूंगा, और बाय डिफॉल्ट स्विच और डिवाइसेस ब्रॉडकास्ट मैक को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। तो ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस जो है वो सभी के लिए होता है, इसीलिए ये पैकेट हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। तो स्विच के ऊपर इस पैकेट को हर कोई एक्सेप्ट करेगा, इस आर्प रिक्वेस्ट को हर कोई एक्सेप्ट करेगा। अब जैसे ही ये आर्प रिक्वेस्ट इस डी के पास जाएगी तो डी चेक करेगा इसका, ये इसका सोर्स आईपी है और ये इसका डेस्टिनेशन आईपी है, तो डी चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी को, बोलेगा यार ये मेरे लिए है ही नहीं, मेरा आईपी तो 10.0.1 है, वो इसको रिजेक्ट कर देगा, तो वो ये जो रिक्वेस्ट है ये इसके पास नहीं जाएगी। जब ये बी के पास जाएगी तो बी देखेगा यार मेरा डेस्टिनेशन आईपी 10.0. मेरा खुद का आईपी तो 3 है और ये बंदा जिसको ढूंढ रहा है ना वो 10.0.0.2 है, तो ये मेरे लिए भी नहीं है, तो बी भी इसको रिजेक्ट कर देगा, राइट। अब ये सी के पास पहुंचेगा, सी इस आर्प रिक्वेस्ट को पढ़ेगा और देखेगा यार डेस्टिनेशन में तो मेरा ही आईपी लिखा है और ये ब्रॉडकास्ट हुआ है, इसका मतलब ये बंदा ना मेरा आईपी पता कर, मेरा मैक एड्रेस पता करना चाहता है, राइट। तो ये जो सी है ये उसको रेस्पॉन्स में क्या करेगा, रेस्पॉन्स में आर्प रिप्लाई भेजेगा, राइट। और आर्प रिप्लाई के अंदर ये क्या करेगा, आर्प रिप्लाई में ये उसको अपना सोर्स आईपी भेजेगा, यानी कि 10.0.0.2। डेस्टिनेशन आईपी में ये जिसको भेज रहा है, तो अब की बार ये सोर्स जो है ये डेस्टिनेशन बन जाएगा क्योंकि इसको ये रिप्लाई कर रहा है, तो इसके लिए तो ये डेस्टिनेशन हो जाएगा, तो इस यहां पे आ जाएगा 10.0.0.4। और सोर्स मैक में अब ये अपना मैक एड्रेस लिखेगा और डेस्टिनेशन में ये ए लिखेगा और ये उसको फॉरवर्ड कर देगा, यूनिकास्ट कर देगा इस आईपी के ऊपर। आपने याद रखना है इस बार ये ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा क्योंकि आर्प रिप्लाई जो होता है वो हमेशा यूनिकास्ट किया जाता है, क्योंकि अब इसको मालूम है कि मुझे किसे भेजना है, किस बंदे ने मुझे भेजा था, इसको तो दोनों फील्ड मालूम है ना कि सोर्स का मैक क्या और आईपी क्या है, आईपी क्या और मैक क्या है, तो इसके लिए कोई मसला नहीं है, तो ये तो यूनिकास्ट ही करेगा, ये कभी ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, तो इसने उसको यूनिकास्ट किया। अब इस पीसी को मालूम चल गया कि मेरे डेस्टिनेशन का जो मैक है वो क्या है, वो सी है, तो ये कैन टेबल में भी अपडेट हो जाएगा यहां पे डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस सी, और पीसी जो है अब अपने यहां पे इसको अपडेट करेगा सी। अब इसका ये जो पूरा एनकैप्सुलेटेड डेटा था, पैकेट था, ये रेडी हो गया, यहाँ पे यही एक चीज मिसिंग थी, इसको ये फिल कर देगा और अब ये डेटा यहाँ पे यूनिकास्ट हो जाएगा और अब ये सारा कम्युनिकेशन इसका इजीली पॉसिबल है। तो ये एक कंडीशन है जहां पे स्विच में सेम नेटवर्क के अंदर इस तरीके से काम होता है और आर्प रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट की जाती है और जिसके लिए वो होती है वो उसका रिप्लाई देता है और फिर वो एनकैप्सुलेटेड डेटा मैं उसको करके उसके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आर्प का। तो बेसिकली यहीं तक, ये छोटी छोटी चीजें जिन लोगों ने समझनी थी उनके लिए तो यहीं तक है, बट अगर आप अब डीप में जाना चाहते हैं तो मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो यूट्यूब पे नहीं है। तो आर्प के अंदर आपको एक दिलचस्प बात मैं बताने वाला हूं जो अभी हमें देखनी है, तो मैं आपको वो बताता हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर राउटर बीच में लगा हुआ है, सपोज यहां पे हमारा एक राउटर लगा हुआ है
और राउटर के इधर इस एंड पे एक पीसी लगा है और राउटर के इस एंड पे एक पीसी लगा है। अभी मैं आर्प की ही बात कर रहा हूं, मैं आपको आर्प का ही प्रोसेस समझा रहा हूं। पिछले वाले प्रोसेस में स्विच लगा हुआ था, इस बार राउटर लगा हुआ है, राइट। और राउटर जो आपको पता है लेयर 3 पे काम करता है, आईपी एड्रेस पे काम करता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि राउटर पे मैक का भी काम होता है, राइट। तो बहुत सारी नई चीजें हैं जो आज आपको पता चलेंगी। तो राउटर वैसे लेयर 3 डिवाइस होता है, आईपी एड्रेस के साथ ही डील करता है, पर आपके केस में वो कई बार मैक के साथ भी डील उस बेचारे को करना पड़ जाता है, राइट। तो सपोज यहाँ पे ये पीसी लगा हुआ है और ये पीसी है मेरा पीसी 1 और ये है मेरा पीसी 2, इसका आईपी है 10.1 और इसका आईपी है 20.1, राइट। मैंने 10 और 20 क्यों रखा है, मैं इसको अगर पूरा लिखूं तो ऐसे है 10.0.0.1 और ये हो जाएगा 20.0.0.1। वो इसलिए क्योंकि राउटर के हर इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क होता है, राउटर के दो इंटरफेस पे कभी सेम नेटवर्क हो ही नहीं सकता, बिकॉज राउटर इज ए इंटर नेटवर्किंग डिवाइस जो दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने के काम आता है। इसलिए ये रहा एक डिफरेंट नेटवर्क 10 का और ये है 20 की रेंज का एक डिफरेंट नेटवर्क, इन दोनों को जोड़ने के लिए राउटर काम आता है, राइट। लेकिन मसला ये है कि आर्प रिक्वेस्ट जो है वो कभी भी डिफरेंट नेटवर्क के लिए जनरेट नहीं होती, राइट। तो ये बड़ा दिलचस्प मैं आपको ये एक बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट कि यहां पे सपोज इसका इंटरफेस बना लेते हैं 0/0, यहां इसका इंटरफेस बना देते हैं 0/1 और यहां पे इसको आईपी दे देते हैं 10.2 और इसको दे देते हैं 20.2 फॉर एग्जांपल, ओके। और इसका मैक है ए, इसका मैक है बी, इसका मैक है सी और इसका मैक है आप सी ले लें और इसका डी ले लें, राइट। तो इस तरीके से आप मैक एड्रेस ले लें, ठीक है, आपने मैक एड्रेस ले लिए, तो इस तरीके से आप ले लें। अब हमें देखना है कि क्या ये पीसी इसके साथ बात कर पाएगा। सपोज अब इस पीसी ने इसके साथ बात करनी है तो ये पीसी क्या करेगा, ये पीसी अपने डेटा में डेटा के साथ इसे चार चीजें भेजनी पड़ेंगी बात करने के लिए। सोर्स आईपी में ये अपना आईपी रखेगा 10.0.0.1, डेस्टिनेशन आईपी में ये रखेगा 20.0.0.1 और सोर्स मैक में ये अपना मैक डालेगा और डेस्टिनेशन मैक इसको नहीं मालूम, राइट। तो जब तक ये नहीं मालूम तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करेगा, ये जो है आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी इसे उसका मैक पता करने के लिए, लेकिन भैया मैक क्रिएट ही नहीं होगा, मैक रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आर्प रिक्वेस्ट जनरेट ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होती है सेम नेटवर्क के लिए और जब सिस्टम देखेगा, ये पीसी देखेगा कि भैया सोर्स तो 10 का है लेकिन डेस्टिनेशन 20 की रेंज का है, 20 के नेटवर्क का है जो कि बिल्कुल अलग है, ये नेटवर्क अलग है, ये अलग है, तो आर्प रिक्वेस्ट जनरेट ही नहीं होगी, सिस्टम जनरेट ही नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम बोलेगा भैया मैं इसके लिए काम नहीं करता, मैं सेम नेटवर्क के लिए आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करता हूं और ये तो अलग नेटवर्क है तो मैं जनरेट नहीं करूंगा, राइट। तो अब जब तक आर्प जनरेट नहीं होगी डेटा सेंड नहीं हो पाएगा। तो आप कहोगे तो क्या होगा ऐसे केस में, अगर ये वो डेटा सेंड करता है तो क्या होगा, आप कहोगे पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, बट आपको बता दूं कि पैकेट कभी ड्रॉप नहीं होना चाहिए, राइट, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है कम्युनिकेशन कराने का अगर पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं या राउटर ने ड्रॉप कर दिया। तो ऐसे केस में पैकेट ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए और कंडीशन कहती है कि आप डिफरेंट नेटवर्क पे आर्प रिक्वेस्ट भेज नहीं सकते। तो होता क्या है कि जो इस राउटर का डिफॉल्ट गेटवे होता है, आप हमेशा जब भी अपने पीसी को आईपी देते हो मैनुअली तो आप वहां पे एक डिफॉल्ट गेटवे भी लिखते हो। वो डिफॉल्ट गेटवे एक्चुअली क्या होता है, जिससे आपका पीसी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है जिस राउटर के इंटरफेस से, दैट इज योर डिफॉल्ट गेटवे, राइट, जहां से निकल के वो दूसरे नेटवर्क में जाता है, तो उसे कहते हैं डिफॉल्ट गेटवे। तो राउटर जो होगा राउटर का इस इंटरफेस पर डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, इसी नेटवर्क का पार्ट होगा। यहां पर 10 का नेटवर्क चल रहा है तो उसका डिफॉल्ट गेटवे मैंने यहां पर 10.0.0.2 ले लिया, शॉर्ट में लिख दिया 10.2। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो उनको मैं पूरा ही लिख देता हूं, 10.0.0.2 मैंने जो है इसका डिफॉल्ट गेटवे ले लिया, राइट। यहां पे इसका डिफॉल्ट गेटवे ले लेते हैं 0.0.2, ये हो गया आईपी वर्जन 4, राइट। तो ये इसका डिफॉल्ट गेटवे है। तो ऐसे केस में आर्प रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट की जाएगी, डिफॉल्ट गेटवे के लिए जनरेट की जाएगी, पैकेट को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आर्प रिक्वेस्ट को पीसी क्या करेगा, पीसी कहेगा डिफॉल्ट गेटवे यार मुझे मालूम है, एक काम करते हैं राउटर को भेज देते हैं। तो आर्प रिक्वेस्ट जनरेट की जाएगी डिफॉल्ट गेटवे के लिए। तो आप जब आप आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करोगे, जब आप आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करोगे तो वहां पे चार चीजें पीसी भेजेगा, उसमें सोर्स आईपी में वो लिखेगा अपना आईपी, डेस्टिनेशन आईपी में वो लिखेगा डिफॉल्ट गेटवे का आईपी, मैक एड्रेस में अपना लिखेगा और डेस्टिनेशन के मैक में क्या लिखेगा वो ब्रॉडकास्ट करेगा, राइट।
क्योंकि ARP रिक्वेस्ट में हमेशा ही ब्रॉडकास्ट होता है, राइट, तो वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो राउटर क्या करेगा, राउटर यहां पे जो है इसका जो आपका ये जो उसको मिला है, जो उसको ARP रिक्वेस्ट मिली है, वो इसको देखेगा, वो बोलेगा यार ठीक है इसने मेरे इसके लिए भेजी है, राइट, मेरे आईपी के लिए इसने भेजी है और ये मैक रिजॉल्व करना चाहता है, इसीलिए यहाँ पे मैक एड्रेस पे ब्रॉडकास्ट डाला हुआ है, इसका मतलब ये किसी का मैक एड्रेस पता करना चाहता है, बट ठीक है, तो मैक एड्रेस तो मैं से रिजॉल्व करके नहीं दे सकता। तो राउटर क्या करेगा, राउटर उसको ARP रिप्लाई भेजेगा, राइट, राउटर उसको ARP रिप्लाई भेजेगा और ARP रिप्लाई में राउटर उसको भेजेगा सोर्स आईपी में वो अपनी आईपी लिखेगा, डेस्टिनेशन आईपी में वो इसकी आईपी लिखेगा, सोर्स मैक में वो अपना मैक लिखेगा और डेस्टिनेशन मैक में इसका मैक लिखेगा। अब इस पीसी को क्या लगेगा, इस पीसी को ये फील होगा कि शायद मुझे मेरा जो मैक एड्रेस था वो रिजॉल्व हो गया है, राइट, तो पीसी ये फील करेगा कि शायद मुझे मेरा मैक एड्रेस रिजॉल्व हो गया और मेरे को मिल गया ए, राइट, तो पीसी उसको डेटा सेंड कर देगा, राइट, पीसी उसको डेटा सेंड करना शुरू कर देगा। बट एक्चुअल में राउटर क्या करता है इस केस में, जब राउटर उसको रिप्लाई करता है तो राउटर खुद एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करता है। मैं अभी आपको किसी और प्रॉक्सी ARP के बारे में नहीं बता रहा हूं, ये नॉर्मल ARP ही बता रहा हूं राउटर के केस में। पहले इस पीसी ने इस राउटर को कॉन्टेक्ट किया इसके डिफॉल्ट गेटवे पे रिक्वेस्ट भेज के, राउटर ने उसको रेस्पॉन्स किया और अपना रेस्पॉन्स में अपना जो इंटरफेस था उसका मैक एड्रेस उसको भेज दिया। अब राउटर के पास अपनी एक राउटिंग टेबल होती है, उसकी नॉर्मल राउटिंग टेबल होती है जिसमें वो क्या करता है, उसमें वो अपने से जो डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क होती है उनको रखता है, जैसे कि मेरा 0/0 पे मैंने जो नेटवर्क जोड़ा हुआ है वो मेरा 10 का नेटवर्क है और 0/1 पे जो मैंने नेटवर्क जोड़ा हुआ है वो मेरा 20 का नेटवर्क है, ये राउटर को मालूम है, राइट, तो राउटर के पास अपनी राउटिंग टेबल होती है। तो ऐसे केस में राउटर क्या करेगा, अब राउटर खुद एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और उस ARP रिक्वेस्ट में वो क्या करेगा, राउटर खुद एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और इस ARP रिक्वेस्ट में अब की बार वो सोर्स आईपी में अपनी आईपी डालेगा, डेस्टिनेशन आईपी में 20.0.0.1 डालेगा, सोर्स मैक में अपना मैक डालेगा और डेस्टिनेशन उसमें नहीं मालूम है तो वो इसको क्या करेगा, इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। राइट, वो इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब ये इस इंटरफेस पे पहुंचेगा, यहां पे जब ये इस पीसी के पास पहुंचेगा, इस पीसी के पास ये पहुंचेगा जैसे ही, तो ये पीसी देखेगा कि यार ये हर पीसी के, सपोज यहां पे अगर और भी पीसी हैं तो सभी के पास पहुंचेगा, बट देखा जाएगा कि डेस्टिनेशन आईपी क्या है, तो इसको एक्सेप्ट वही करेगा जिसका डेस्टिनेशन आईपी यहां पे लिखा होगा, चाहे कितने भी पीसी लगे हुए हो। तो ये पीसी जो है इसका आईपी मैच कर जाएगा, तो ये पीसी इस ARP रिक्वेस्ट को देखेगा और बोलेगा यार ये मेरा मैक एड्रेस पता करना चाहता है क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्ट यहां पे डाला हुआ है, ये एक ARP रिक्वेस्ट मेरे पास आई हुई है, इसका मतलब ये मेरा मैक जानना चाहता है, राइट, तो ये पीसी उसको रेस्पॉन्स करेगा, ARP रेस्पॉन्स करेगा और इस ARP रेस्पॉन्स में ये इसको पहले सोर्स आईपी में अपना आईपी लिख के भेजेगा और डेस्टिनेशन आईपी में आपके पास आ जाएगा 20.0.0.2 और सोर्स मैक में आ जाएगा बी और डेस्टिनेशन मैक में आ जाएगा डी। यानी अब ये बी इसको मालूम चल गया कि यार ये जो आईपी था ना, ये जो डेस्टिनेशन जिसके लिए रिक्वेस्ट मेरे पास आने वाली है, ये वाली रिक्वेस्ट जो आ रही है इसका मैक एड्रेस है बी, राइट, ये अब राउटर को मालूम चल गया, राउटर को मालूम चल गया कि भैया ये जो 20.0.0.1 है ना इसका मैक एड्रेस बी है, राइट। अब ऐसे में राउटर क्या करेगा, अब राउटर इसको रिप्लाई करेगा यहां पे, और बल्कि इसको रिप्लाई भी नहीं करेगा, अब ये इसने जो पैकेट राउटर को भेजा है, राउटर क्या करेगा, राउटर इंटेलिजेंट काम करेगा एक्चुअली में। अब इसको तो ये मालूम था क्योंकि राउटर ने इसको रिप्लाई किया, राउटर ने कहा कि हाँ आप ना इस एड्रेस पे भेज दो, तो इस पीसी को लगा कि यार ये जो मेरा डेस्टिनेशन है ये वाला, इसका जो मैक एड्रेस है वो ए है, तो वो तो सारी रिक्वेस्ट यहां पे भेजता जाएगा, सॉरी इसका जो
डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन का बैक है सी, तो पीसी क्या करेगा अपने सारे डेटा को सी पे भेजना शुरू कर देगा, सी और इसके आईपी पे, इस आईपी और इस पे भेजना शुरू कर देगा, डिफॉल्ट गेटवे पे भेजना शुरू कर देगा। अब राउटर क्या करेगा उन सारे पैकेट्स पे, उन सारे पैकेट्स को डीकैप्सुलेट करेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी भेज रहा है उसमें क्या लिख के भेज रहा है पीसी, पीसी यहां पे लिख के भेज रहा है सी, ठीक है। पीसी को अब ये मालूम है कि मेरा ये जो आईपी है, मेरा जो डेस्टिनेशन है, इसका मैक सी है, पीसी को ये लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि राउटर ने उसको रिप्लाई में सी भेजा था, राइट। तो पीसी क्या करेगा हर पैकेट में अपने डेस्टिनेशन के साथ क्या करेगा, डेस्टिनेशन आईपी तो वही रहेगा, यहां पे मैक में सी भेज रहा है, तो राउटर क्या करेगा अब इंटेलिजेंट काम करेगा और यहां पे इस एनकैप्सुलेटेड पैकेट को डीकैप्सुलेट करेगा और यहां पे इसका सोर्स तो ए ही रखेगा, इसका जो डेस्टिनेशन था वो अपने एंड पे सी हटा के क्या करेगा वो बी कर देगा, राइट, और उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, राइट। तो यानी राउटर क्या करेगा अपने एंड पे उन सारे पैकेट जो उसके पास आ रहे हैं वहां अपना मैक हटा के दूसरे का मैक एड्रेस लगा के आगे फॉरवर्ड कर देगा, तो इस तरीके से राउटर उसको फॉरवर्ड करता जाएगा। बल्कि राउटर यहां पे ना ये ए भी नहीं रखेगा, यहां पे ये डी हो जाएगा, तो राउटर अपने एंड पे वो दोनों पैकेट, दोनों मैक एड्रेस हटाएगा, डी और बी लगा के आगे भेजेगा, फिर वापिस आएगा तो डी बी हटा के क्या कर देगा यहां पे ए और सी कर देगा, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा कम्युनिकेशन चलेगा, ये डी और बी क्यों किया, डी इसलिए किया क्योंकि डी से ये यहां जा रहा है, बी के पास जा रहा है, तो बी को तभी पता चलेगा कि मेरे पास डी से आ रहा है, तो यहां जाने पर वो डी बी कर देगा और जब यहां से यहां भेजेगा तो डी बी को हटा के क्या कर देगा यहां पे वो कर देगा आपका सी और ए, तो इस पीसी को लगेगा हाँ ये मेरे लिए ही आया है, राइट, डेस्टिनेशन ये है, सोर्स इसका सी है, फिर वो रिप्लाई करेगा, फिर वो उसको मैसेज भेजेगा ए और सी पर, राइट। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा। तो दिस इज द सिंपल आर्प जिसमें राउटर पे भी, राउटर भी अपने एंड से एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करके आगे बात करता है और मैक एड्रेस। इसमें एक चीज याद रखने वाली ये है कि सोर्स और डेस्टिनेशन यानी कि लेयर थ्री की जो डिटेल है वो कभी चेंज नहीं होती, लेयर थ्री का जो आपका चीजें हैं वो कभी चेंज नहीं होंगी, सिर्फ मैक एड्रेस, लेयर टू डिटेल आपकी चेंज होती जाएगी हर इंटरफेस पे। यहाँ पे लेयर टू की मैक एड्रेस आपका कुछ और था, फिर यहाँ पे जब राउटर भेजेगा तो उसको चेंज करके भेजेगा, फिर यहां से जब पहुंचेगा तो राउटर फिर मैक एड्रेस चेंज करेगा, यानी हर इंटरफेस पे लेयर टू का जो आपका आप कह सकते हैं जो फील्ड होती है वो चेंज होती है। डेस्टिनेशन और सोर्स, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी हमेशा सेम रहती है पैकेट की, मैक एड्रेस हमेशा बदलता रहता है हर इंटरफेस पे जाने पे, राइट। तो ये एक आपको चीज पता होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉक्सी आईपी, और प्रॉक्सी आईपी हम देखते हैं कि प्रॉक्सी आईपी अब कैसे काम, प्रॉक्सी आर्प सॉरी प्रॉक्सी आर्प अब कैसे काम करता है, अब उसको देखते हैं। चलो यार अब प्रॉक्सी आर्प की बात कर लेते हैं। तो प्रॉक्सी आर्प के अंदर देखो जैसे कि लिखा है मैंने, ये आपके आपकी हेल्प के लिए मैंने लिख भी दिया है, तो आप नोट डाउन कर लेना। प्रॉक्सी आर्प इज अ टेक्निक बाय व्हिच अ प्रॉक्सी डिवाइस ऑन अ गिवन नेटवर्क आंसर द प्रॉक्सी क्वेरीज फॉर एन आईपी एड्रेस दैट इज नॉट ऑन दैट network. The proxy is aware of the location of the traffic destination and offers its own MAC address as the destination. तो यार इसमें होता क्या है ना, प्रॉक्सी आर्प के बारे में आप दो तीन चीजें याद रखिएगा। एक तो ये तब होता है जब आप सबनेटिंग करते हैं, राइट। तो सबनेटेड आईपी या सॉरी सबनेटेड जो आपके आईडी होते हैं, सबनेटवर्क आप कह सकते हैं या सबनेटेड आईपी आप कह सकते हैं, उसके ऊपर प्रॉक्सी आर्प जनरली काम करता है, उस केस में काम करता है। दूसरा, प्रॉक्सी आर्प के बारे में आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे राउटर लगा हुआ होता है और राउटर के दोनों तरफ जो सबनेटेड आईपी होंगी वो सेम क्लास की होंगी, राइट, उस केस में ये काम करता है। और यहाँ पे राउटर जो है वो ऐसा दिखाता है कि जो डेस्टिनेशन का मैक है वो मेरा ही मैक है, राइट। तो इस तरीके की कुछ चीजें यहाँ पे होती है, बड़ी दिलचस्प चीजें होती है, तो वो अभी एक सिनेरियो से समझ लेते हैं, हो सकता है बात अभी आपको समझ ना आ रही हो। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक राउटर बना लेते हैं पहले, ठीक है। राउटर के इस इंटरफेस पे मैं एक पीसी बना लेता हूँ और राउटर के इस इंटरफेस पे एक पीसी बना लेता हूँ, राइट। लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, जैसे कि पिछले सिनेरियो में मैंने किया था राउटर वाले में, वहां पे मैंने एक 10 का नेटवर्क लिया था, एक 20 का नेटवर्क लिया था, दोनों नेटवर्क बिल्कुल अलग थे, ऑल्दो दोनों क्लास ए के थे बट दोनों की नेटवर्क आईडी बिल्कुल अलग थी। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो आईपी लेंगे वो सबनेटेड लेंगे, यानी 192.168.1.1/26 और यहाँ पे लेंगे 192.168.1.67 या 69 आप कर दो, ठीक है। तो 63 के बाद वाला हो गया /26, तो /26 है, यानी ये सबनेटवर्क हो रखा है। तो एक पहली सबनेट आईडी, आपने अगर मेरे सबनेटिंग के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप देख लें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बहुत तब ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये जो नेटवर्क है
ये यहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा वैसे ये, और ये इसकी पहली आईपी हो जाएगी 192.168.1.0 और सॉरी 1, और उसके बाद ये कहां तक जाएगी, ये 1.63 तक जाएगी। उसके बाद एक नया नेटवर्क होगा, सब नेटवर्क जो होगा वो यहां से स्टार्ट होगा 1.64 से, और वो कहां तक जाएगा, वो जाएगा 1.127 तक। तो ये एक दूसरा ये है सबनेट है। उसके बाद जो तीसरा नया सबनेट बनेगा वो कहां से बनेगा, वो यहां से बनेगा 1.28 से, एंड सो ऑन। ये तीसरी सबनेट है, तो ये एक अलग नेटवर्क है एक्चुअली अगर देखा जाए तो। राउटर इस बात को समझता है कि ये अलग नेटवर्क है, क्योंकि राउटर सबनेटिंग को समझता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपने वहां पे उसका सबनेट मास्क या उसका CIDR मेंशन किया हुआ है, या तो आप CIDR मेंशन कर दो या आप इसका सबनेट मास्क मेंशन करोगे, राउटर की टेबल में सबनेट मास्क मेंशन होता है, तो वो यहां पे क्या होगा, वो यहां केस में हो जाएगा 192, ये सबनेट मास्क हो जाएगा। जैसे ये 192 आएगा तो आप राउटर समझ जाएगा कि भैया यहां पे सबनेटिंग हो रखी है। तो ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है, राउटर इस बात को समझता है। लेकिन ARP के केस में, ARP रिक्वेस्ट में मैंने आपको ARP का फॉर्मेट या हेडर आप जिसे कहते हैं वो मैंने आपको दिखाया था, वहां पे सबनेट मास्क की कोई फील्ड नहीं होती। यानी ARP के केस में, डिवाइस के केस में उसको सबनेट मास्क से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ नेटवर्क देखता है कि मेजर नेटवर्क क्या है, उसका मेन आईपी किस नेटवर्क का है। तो वो यहां पर भी क्लास सी का 192.168, तो वो जब इसकी सिस्टम मेरा जब इसकी नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करेगा, तो वो इसकी नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करेगा 168.1.0, राइट, ये इसकी नेटवर्क आईडी आएगी। यहां पे जब वो अपना डेस्टिनेशन का उसको आईपी मालूम है, उसकी नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करेगा, तो वो बोलेगा यार इसकी नेटवर्क आईडी भी सेम है, तो उसकी नेटवर्क आईडी भी सेम आ रही है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि ये सबनेटिंग हो रखी है, राइट। ऐसे केस में प्रॉक्सी ARP जनरेट होती है, राइट। इस केस में प्रॉक्सी ARP सिनेरियो में आता है, क्यों आता है, क्योंकि सिस्टम ये मान लेता है कि यार जो दूसरी तरफ राउटर के पड़ा हुआ है ना, उसको लगता है कि मेरा ही नेटवर्क है, इसकी भी नेटवर्क आईडी सेम है, इसकी भी सेम है, तो ये तो लैन के अंदर चल रहा है, ये राउटर की दूसरी तरफ है ही नहीं, ये मेरे ही तरफ पड़ा हुआ है, सिस्टम को ऐसा लगता है। सिस्टम को ये नहीं पता कि आगे राउटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वो तो डेस्टिनेशन देख रहा है, और डेस्टिनेशन जो है दोनों का सेम नेटवर्क आईडी है, तो सेम नेटवर्क आईडी कहां होता है, के अंदर होता है, सेम ही एक ही साइड में, एक ही एरिया में होता है, राइट। तो वो समझेगा कि यार ये तो मेरी तरफ पड़ा हुआ है, तो इसको तो मैं ARP रिक्वेस्ट भेज सकता हूं, तो सिस्टम उसको ARP रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा। जबकि पुराना केस जो मैंने अभी आपको बताया था, ARP का नॉर्मल केस जहां पे राउटर लगा के मैंने आपको बताया था, वहां पे ARP रिक्वेस्ट इसलिए जनरेट नहीं हो रही थी क्योंकि एक 10 का नेटवर्क था, एक 20 का नेटवर्क था, और सिस्टम 10 और 20 को समझता है, बट वो सबनेटिंग नहीं समझता। सिस्टम जो है यहां पे, जब तक आप ARP जो है, ARP रिक्वेस्ट की जो बात है, तो ARP रिक्वेस्ट जो है वो सबनेटिंग नहीं समझती, उस केस में सबनेटिंग का मसला नहीं आता, तो वो सिंपली उसकी नेटवर्क आईडी निकाल लेता है और वो वहां पे देखता है कि यार दोनों सेम आ रही है। तो इस केस में क्या होता है, प्रॉक्सी का काम आता है। तो अब पीसी क्या करेगा, वो अपना वही काम करेगा, वो सबसे पहले एक अपनी उसको डेटा भेजना है, तो डेटा भेजने के लिए चार चीजें इंपॉर्टेंट है डेटा के साथ में, एक तो सोर्स की आईपी आपको पता होनी चाहिए, एक डेस्टिनेशन की आईपी आपको पता होनी चाहिए, एक सोर्स का मैक आपको पता होना चाहिए, एक डेस्टिनेशन का मैक आपको पता होना चाहिए, राइट। ये चार चीजें अगर आपको मालूम है और डेटा आपको भेजना है तो आप बड़े इजीली भेज सकते हो, राइट। तो अब मेरे को सोर्स आईपी तो मालूम है, डेटा के साथ में उसने क्या किया, डेटा लगाया, डेटा के साथ में उसने अपना सोर्स आईपी लगा दिया, तो सोर्स आईपी यहां पे क्या हो जाएगा, मैं इसको भी रब कर देता हूं। तो अब इस केस में सोर्स आईपी क्या हो जाएगा, यहां पे सोर्स डेटा यहां पे आ गया, डेटा के साथ में यहां पे आ जाएगा आपका सोर्स आईपी, तो सोर्स आईपी ये वाला हो जाएगा 192.168.1.1। हम मान लेते हैं कि इस पीसी का मैक एड्रेस ए है, यहां पे इस राउटर के इंटरफेस का मैक एड्रेस बी है, इस इंटरफेस का सी है, और इस पीसी का डी है, हम ऐसा मान लेते हैं, राइट। और यहाँ पे आईपी भी जो है वो भी हम यहाँ पे काम करते हैं, इंटरफेस को आईपी भी दे देते हैं, तो इस इंटरफेस की आईपी है 192.168.1.3 और यहाँ पे है 192.168.1.15, राइट, कुछ भी मान लेते हैं, सॉरी 15 तो हो ही नहीं सकती, इससे आगे होगी 70 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने दे दिया, तो ये हमने बनाया हुआ है। तो अब क्या होगा कि ये पीसी को जब अगर इससे बात करनी है, इस पीसी को डी से बात करनी है, तो उसको चार चीजें मालूम होनी चाहिए। तो पीसी को अपना सोर्स आईपी तो मालूम है, दिस इज सोर्स आईपी। अब डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी भी उसको मालूम है, दैट इज 192.168.1.69,
ये भी उसको मालूम है. सोर्स मैक क्या होगा, सोर्स मैक उसको मालूम है अपना, दैट इज ए, पर उसको डेस्टिनेशन का मैक नहीं मालूम, उसको डेस्टिनेशन मैक नहीं मालूम. तो अब अगर उसको डेस्टिनेशन मैक नहीं मालूम तो उसे पता करने के लिए क्या किया जाता है, आर्प रिक्वेस्ट भेजी जाती है. तो अब वो आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा. अब जब वो आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो देखेगा कि यार मेरा सोर्स आईपी क्या है, सोर्स आईपी मेरा यही है 192.168.1.1. डेस्टिनेशन मुझे किसको भेजना है 192.168.1.69. जबकि अलग नेटवर्क पे अगर आप देखें तो सबनेटिंग हो रखी है यहाँ पे, पर उसको ये चीज मालूम नहीं चलेगी. क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि आर्प के हेडर में सबनेट का फील्ड ही नहीं होता, सबनेट मास्क का. तो वो जब उसका नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करेगा तो दोनों की सेम आएगी उसके लिए, तो ऐसे केस में वो भेज देगा, वो सोचेगा कि मेरे नेटवर्क में पड़ा है और वो इसको राउटर को देगा, आप आगे की साइड भेज देगा. तो यहां पे उसने डेस्टिनेशन आईपी भी डाल दिया. अब उसने सोर्स मैक में लिखा अपना मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन में क्या लिखेगा, वो ब्रॉडकास्ट कर देगा, तो ब्रॉडकास्ट मैक डाल देगा वो यहां पे, ठीक है ना. सो दिस इज 12 टाइम एफ, राइट. तो ये आ जाएगा. तो उसने जो है सोर्स मैक डाल दिया, वो डेस्टिनेशन मैक में क्या किया, ब्रॉडकास्ट मैक एंटर करके भेज दिया. अब जैसे ही राउटर के पास पहुंचेगा तो राउटर इस रिक्वेस्ट को पढ़ेगा, राइट. राउटर देखेगा कि अच्छा यार इसने मेरे को एक आर्प रिक्वेस्ट भेजी है. तो राउटर जब इस आर्प रिक्वेस्ट को देखेगा तो राउटर बोलेगा, क्योंकि राउटर के पास भी टेबल होती है और उसको पता है कि ये जो बंदा है ये मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे राउटिंग टेबल में, ठीक है. तो राउटर अपने राउटिंग टेबल जो उसके पास है, जो राउटर की राउटिंग टेबल है, उसको ये चीज मालूम है कि मेरे से जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो कौन कौन है. सपोज 00 पे मेरा ये वाला नेटवर्क है 1.168.1.0/26, और 0/0 पे जो है वो ये वाला है 192.168.1.63/26. ये है. तो राउटर को ये चीज मालूम है, तो राउटर चाहता तो इसको एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर देता, बट राउटर कभी भी ब्रॉडकास्ट, चाहे सोर्स आईपी में, सॉरी चाहे डेस्टिनेशन आईपी में ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ हो या डेस्टिनेशन मैक में, अगर किसी भी फील्ड में ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ है, ब्रॉडकास्ट है, वो ब्रॉडकास्ट हो रही है वो चीज, तो उस पैकेट को राउटर कभी आगे ब्रॉडकास्ट नहीं करता, राइट. ये चीज आपको याद रखनी है, राउटर के पास एक ब्रॉडकास्ट आया है तो वो उसको आगे ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, उसको एज इट इज फॉरवर्ड नहीं कर सकता, राइट. तो राउटर इसको आगे तो फॉरवर्ड कर नहीं सकता, ये उसकी लिमिटेशन है. तो राउटर ने इस पैकेट को लिया, राउटर ये जानता है कि ये बंदा मेरे साथ में कनेक्टेड है, बट इस फील्ड को वो एज इट इज फॉरवर्ड नहीं कर सकता. ऐसे केस में राउटर क्या करता है, राउटर एक इंटेलिजेंट काम करता है. राउटर इस बंदे को ये बताता ही नहीं है कि यार ये बंदा जो है ये मेरे दूसरी तरफ पड़ा हुआ है. राउटर इस बंदे को ये फील कराता है, हाँ ये मैं ही हूं, राइट. तो जो कुछ भी आएगा वो राउटर इसे अपने नाम से इसको भेजेगा, दैट इज अ प्रॉक्सी, राइट. क्लास के अंदर भी जब आप प्रॉक्सी मारते हैं, दूसरे बंदे की अटेंडेंस आप लगा देते हैं, तो अटेंडेंस उस बंदे की लग रही होती है, राइट. पर बोला किसी की और ने था, राइट. बट इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अटेंडेंस उस बंदे के नाम पर चढ़ी है. तो राउटर यही काम करेगा, राउटर उसका डेस्टिनेशन और ये जो सोर्स है सब कुछ सेम रहने वाला है, इसका पैकेट इसको पहुंच भी जाएगा, बट पहुंच रहा होगा राउटर की हेल्प से. कैसे, मैं आपको बताता हूं. इसने जब इसको आर्प रिक्वेस्ट भेजी, ब्रॉडकास्ट करके राउटर के पास पहुंची, तो राउटर अब क्या करेगा, राउटर आर्प रिप्लाई करेगा, राइट. राउटर अपने ही एंड से आर्प रिप्लाई करेगा, और आर्प रिप्लाई में राउटर क्या करेगा, जो सोर्स आईपी लिखेगा वो प्रॉक्सी मार देगा, वो उस बंदे की मार देगा जिस बंदे के लिए वो पैकेट भेजा गया है. इंस्टेड ऑफ कि वो अपने इंटरफेस का आईपी लिखे, वो डेस्टिनेशन जहां पे वो भेज रहा था उसी बंदे का लिख के भेज देगा. दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉक्सी, यहां वो प्रॉक्सी मार देता है. तो यहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो सोर्स आईपी राउटर भेजेगा लिख के, जबकि आप अगर मेरा पिछला केस देखेंगे तो वहां पे इंटरफेस की आईपी मैंने लिखी है, बट यहां पे राउटर डेस्टिनेशन जो एक्चुअल था वो आईपी ही लिखकर भेजेगा, जबकि भेज खुद रहा है, खुद भेज रहा है, बट वो किसके बिहाफ से भेजेगा, इसके बिहाफ से भेजेगा. दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सी आर, राइट. तो राउटर प्रॉक्सी मार रहा है उसकी साइड से, खुद से वो भेज रहा है कि ये मैं ही हूं और उसी से आपको आया, राउटर उसको झूठ बोल रहा है, राइट. तो ऐसा होता है ना फिल्मों में भी, वो शाहरुख खान की फिल्मों में होता है, तो वो बोलता है लो ये जो गुलाब है ये उसने भेजे हैं, जबकि वो अपने दोस्त को खुश करने के लिए खुद उसे भेज देता है, राइट. तो वो प्रॉक्सी मार देते हैं एक्चुअली, ठीक है. तो ये जो है सोर्स आईपी में वो क्या करेगा, वो वही जो डेस्टिनेशन की आईपी थी वो वही लिखकर भेजेगा 192.168.1.69, और जो डेस्टिनेशन आईपी थी वो अब ये वाली हो जाएगी, क्योंकि वो इसको भेज रहा है 192.168.1.1. जो सोर्स मैक है
वो अपना रखेगा, वो उसका नहीं देगा, सोर्स मैक वो अपना रखेगा, सोर्स मैक वो अपना लगाकर भेजेगा, और डेस्टिनेशन वो जो जहां से उसको आया था उसका डेस्टिनेशन, तो ये ए था इसका मैक एड्रेस, ए पे भेज देगा। अब ये पहुंच गया, अब जब ये फील्ड इसके पास पहुंची, इस पीसी के पास जब ये डिटेल पहुंचेगी, तो ये पीसी बोलेगा ओके, तो ये मेरा जो डेस्टिनेशन था इसका मैक एड्रेस क्या है, इसका मैक एड्रेस बी है, तो अब वो यहां पे अपने इसका जो मैक एड्रेस है वो बी लगाएगा और सारे पैकेट राउटर को भेजने शुरू कर देगा, ये मानते हुए कि उसका मैक एड्रेस जो उसका डेस्टिनेशन है वो बी है, तो वो सारे इसको भेजेगा, राइट, राउटर को ये मिलते जाएंगे। अब राउटर जानता है कि बी जो इसने मेरे ये यहां पे पहुंच गया, अब राउटर के पास जब ये सारे पैकेट पहुंचते जा रहे हैं तो राउटर क्या करेगा, राउटर अपने एंड से, राउटर अभी एक काम और रह गया, राउटर अपने एंड से अब एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, जैसा पिछले केस में किया था, एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, मैं आपको बता ही देता हूं। अब राउटर क्या करेगा, अभी ये पैकेट हमने आगे नहीं भेजा, ये यहां पे रिप्लाई आ गया, इसको पता चल गया, अब इस पीसी ने ये मान लिया कि ओके मेरे डेस्टिनेशन का जो मैक है वो बी है, राइट, अभी राउटर एक काम रह गया, राउटर भी अब इसको अपनी एंड से एक आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा, राउटर इधर से आई हुई ब्रॉडकास्ट को आगे ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता, बट राउटर खुद से ब्रॉडकास्ट कर सकता है किसी इंटरफेस पे पता करने के लिए, मैक एड्रेस पता करने के लिए, तो अब राउटर भी आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा, और आर्प रिक्वेस्ट में राउटर क्या करेगा, राउटर डेस्टिनेशन में अपना आईपी डालेगा, सोर्स में राउटर अपना मैक लिखेगा, सॉरी ये सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी में वो ये वाली आईपी लिखेगा, सोर्स मैक में वो अपना मैक लिखेगा और डेस्टिनेशन में वो ब्रॉडकास्ट लिखेगा। ऐसा करने से अब ये वाली आर्प रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट हो जाएगी इस इंटरफेस पे, किस इंटरफेस पे, इस साइड में, इस इंटरफेस में ये आर्प रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट हो जाएगी, तो जो पीसी पड़ा होगा जिसका ये आईपी होगा उसके पास भी ये पैकेट पहुंचेगा आर्प रिक्वेस्ट का। अब वो देखेगा कि अच्छा यार ये मेरा मैक एड्रेस पता करना चाहता है क्योंकि इसने मेरा आईपी दिया हुआ है पर इसको मेरा मैक नहीं मालूम, तो ये यहां से आर्प रिप्लाई भेजेगा, आर्प रिप्लाई भेजेगा, तो यहां पे आर्प रिप्लाई पहुंचेगा राउटर के पास, उस आर्प रिप्लाई में क्या क्या जाएगा, आर्प रिप्लाई में इसका सोर्स में इसका आईपी पड़ा हुआ होगा, डेस्टिनेशन में इसका राउटर का आईपी पड़ा हुआ होगा, सोर्स मैक में इसका डी पड़ा हुआ होगा, राउटर का सी। अब राउटर को इस आईपी का मैक एड्रेस मालूम चल गया, दैट इज डी, राइट, तो राउटर को अब मैक एड्रेस मालूम चल चुका है, पर राउटर अभी उसको कुछ नहीं बताएगा, राउटर इसको कुछ नहीं बताने वाला, खुद राउटर को मालूम है क्योंकि आगे अब किसको फॉरवर्ड करना है राउटर को मालूम होना चाहिए। तो अब राउटर सारे पैकेट इससे लेता जाएगा क्योंकि इस बेचारे को तो ये मालूम है कि मेरे डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है, मेरे डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस बी है, तो ये तो सारे पैकेट बी को भेजता जाएगा, बट राउटर ने अपने एंड पे मेहनत करके पता लगा लिया है कि उस आईपी का एक्चुअल मैक एड्रेस क्या था, तो अब राउटर इसको यहां लेता जाएगा और आगे अब इसको भेजता जाएगा। आगे भेजते टाइम राउटर एक इंटेलिजेंट काम करेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब वो एनकैप्सुलेटेड पैकेट जितने भी उसके पास आ रहे हैं, जो भी पैकेट उसके पास आ रहे हैं, तो वहां डेटा तो वही रहेगा, सोर्स आईपी भी वही रहेगा 1.1 और डेस्टिनेशन आईपी रहेगा 1.69, लेकिन राउटर मैक को चेंज कर देगा, राउटर सोर्स मैक अब जो जब इसको आगे भेजेगा, इस एंड पे बता रहा हूं मैं आपको, जब राउटर इस इंटरफेस से आगे यहां इस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, यहां से ये पैकेट इसको मिल गया, अब इस पैकेट में राउटर चेंजेस क्या करेगा, मैक को चेंज कर देगा, सोर्स में बी सी डालेगा और डेस्टिनेशन मैक में डी डालेगा, फिर यहां से रिस्पॉन्स आएगा, तो राउटर मैक चेंज कर करके आगे भेजेगा, अब वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो इस यहां इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो यहां से इसका मैक लिखा हुआ होगा, यहां इसका राउटर का मैक लिखा हुआ होगा, फिर राउटर मैक एड्रेसेस चेंज करके इसको भेजेगा। इस बेचारे को हमेशा यही लगता रहेगा कि मेरे सारे पैकेट बी से आ रहे हैं, बट एक्चुअल में राउटर मैक एड्रेसेस को चेंज कर करके भेज रहा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग आप करिएगा। आई होप मतलब मैंने काफी अच्छे से समझाया है और सारी चीजें कहीं ना कहीं मैंने बोली हैं, तो एक बार आप ध्यान से दोबारा से बैक करके वीडियो को देखें, आपको समझ आ जाएगा। मतलब कुल मिला के मैंने क्या किया है, मैं एक बार चलो दोबारा आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, तो इससे पहले कि कोई कंफ्यूजन रहे और आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना शुरू करें, तो मैं खुद ही इसको दोबारा से एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ एक्चुअल में पूरा प्रोसेस क्या हुआ है।
मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं. दिस इज माय राउटर, यहां पे एक पीसी है, यहां एक पीसी है, राइट. इस पीसी का आईपी है सपोज 1.1, इस पीसी का है 1.69, यहां पे इस इंटरफेस का आईपी है 1.3, यहां पे इस इंटरफेस का आईपी है 1.70. मैंने शॉर्ट में लिखा है 192.168 मैंने रिमूव कर दिया. इसका मैक है ए, इसका बी, इसका सी, इसका मैक है डी, राइट. जब ये पीसी इसको रिक्वेस्ट करेगा तो ये पीसी रिक्वेस्ट करेगा डेटा, यहां पे सोर्स आईपी जो आपकी हो जाएगी 1.1, डेस्टिनेशन आईपी जो आपकी हो जाएगी ये वाली 1.69, सोर्स मैक में वो अपना मैक लिखेगा, डेस्टिनेशन उसको नहीं मालूम, राइट. तो ऐसे केस में अब ये पीसी क्या करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, क्योंकि जब तक इसको ये नहीं मालूम ये कम्युनिकेट नहीं कर सकता. तो ये पीसी एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा. अब इस आर्प रिक्वेस्ट में ये पीसी अपना आईपी लिखेगा, डेस्टिनेशन का आईपी लिखेगा, अपना मैक लिखेगा और डेस्टिनेशन में ये इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, राइट. ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस एंटर कर देगा और ये भेज देगा राउटर के पास. राउटर के पास पहुंचेगा, राउटर देखेगा अच्छा यार इसने तो ये ब्रॉडकास्ट किया, मैं तो आगे कर नहीं सकता, ठीक है. तो राउटर क्या करेगा, राउटर अब इसको आर्प रिप्लाई कर देगा. आर्प रिप्लाई में राउटर इसको कहेगा, राउटर इसको आर्प रिप्लाई करेगा और आर्प रिप्लाई में वो सोर्स आईपी डालेगा अपना 1.3, सॉरी सोर्स आईपी किसका डालेगा, वो ये वाला डालेगा. यही यहां पे राउटर ने प्रॉक्सी मार दिया. एक्चुअल में राउटर सोर्स डालेगा कि भैया आपको ये पैकेट यहीं से मिला, क्योंकि इस बेचारे ने तो यही सोच के भेजा था. तो इसकी मासूमियत का फायदा उठाते हुए राउटर ने भी क्या किया, उसको यही दिखाया कि हाँ ये पैकेट भी आपको रिप्लाई में वहीं से आया है. तो राउटर ने सोर्स में 1.69 लिखा, जबकि भेजा खुद है रिप्लाई यहां से, राउटर ने खुद यहां से रिप्लाई किया, बट उसने आईपी जो है वो ये वाली मेंशन कर दी और डेस्टिनेशन जो है ये मेंशन किया. मैक एड्रेस सोर्स में वो अपना लिखेगा बी और डेस्टिनेशन में ए और ये उसको रिप्लाई में भेज देगा, राइट. तो अब ये रिप्लाई में इसके पास आया, अब इसने देखा ओ यानी कि मेरा जो डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस बी है, तो वो यहां पे बी डालेगा और सारे पैकेट भेजना शुरू कर देगा राउटर को. पर राउटर ने तब तक क्या काम किया होगा, राउटर ने भी यहां एक आर्प रिक्वेस्ट भेज के जो है इसका मैक एड्रेस फाइंड आउट कर लिया होगा, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूरा प्रोसेस बताया है. तो अब राउटर को भी यह मालूम चल चुका है कि 1.69 का जो मैक है वो डी है, राइट. तो अब राउटर के पास जो भी ये पैकेट आ रहे होंगे, ये वाले पैकेट जो राउटर के पास पहुंच रहे होंगे, वो यहां पे जब इस पैकेट को आगे भेजेगा, यहां पर तो राउटर के पास ये वाला पैकेट पहुंचा है, पर राउटर जब इस इंटरफेस से आगे इस पैकेट को भेजेगा तो मैक एड्रेस वाले हिस्से को चेंज कर देगा. ये सेम रहेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन सेम रहेगा, मैक एड्रेस चेंज हो जाएंगे. जब राउटर इसको इस एंड से भेजेगा तो यहां पे जो पैकेट जाएंगे वो कुछ ऐसे जाएंगे, डेटा होगा, सोर्स आईपी होगा, डेस्टिनेशन आईपी होगा, वो सेम रहेगा, जो यहां था वो यहां रहेगा, पर यहां पे जो सोर्स मैक होगा वो सी हो जाएगा और डेस्टिनेशन मैक डी हो जाएगा. फिर यहां से अब जो रिप्लाई जाएगा, तो रिप्लाई की तो अब जरूरत ही नहीं है, खैर, तो अब वो यहां पे जाएंगे. यानी राउटर क्या करेगा, सारे पैकेट जो इसके पास पहुंच रहे हैं उन्हें इस तरीके से भेज रहा है, आगे उसका ये वाला हिस्सा हटा के ये हिस्सा लगा के आगे भेजता जा रहा है. तो एक्चुअल में अब इसको ये रिसीव होते जाएंगे, ये उसका ये हिस्सा हटाएगा, ये हिस्सा हटाएगा और डेटा को रीड करता जाएगा, राइट. उससे इससे मतलब नहीं है कि किसने भेजा कैसे भेजा, उसको एक्चुअल डेटा मिल गया तो अब वो अपने डेटा को रीड कर लेगा. ये वाला हिस्सा तो वैसे भी हट जाएगा क्योंकि ये लिफाफा है, तो लिफाफा तो आप फाड़ देते हो, चिट्ठी से आपको मतलब होता है. तो डेटा उसने भेजा था, डेटा इसको पहुंच गया, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. बट इस केस में हुआ ये कि राउटर ने प्रॉक्सी मार दिया, राउटर ने इस बेचारे को ये कभी बताया ही नहीं कि एक्चुअल में ये सारे पैकेट मैं लेकर और मैं आगे भेज रहा था, वो आपको आप डायरेक्टली उसको नहीं भेज रहे थे, बीच में मैं आपकी मदद कर रहा था, राउटर ने ये चीज नहीं बताई, राइट. सो दिस इज अ प्रॉक्सी आर्प कॉन्सेप्ट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. तो अब हम तीसरा आर्प देखते हैं, दैट इज ग्रेशियस आर्प, राइट. ओके दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं ग्रेशियस आर्प पे. ग्रेशियस आर्प कुछ नहीं है, ये एक्चुअली इस्तेमाल किया जाता है इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि मेरे नेटवर्क में किन्हीं दो कंप्यूटर्स को सेम आईपी तो नहीं मिल गया है. इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम ग्रेशियस आर्प का इस्तेमाल करते हैं, टू अवॉइड रिडंडेंसी ऑफ आईपी एड्रेस, राइट. तो इस केस में एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको बताता हूं ये कैसे काम करता है. सपोज ये मेरा स्विच है, इस स्विच के साथ मेरे चार पीसी कनेक्टेड है, राइट, और ज्यादा कर देते हैं 6 लगा देते हैं, ये भी पीसी हैं, तो ये सारे पीसी इसके साथ कनेक्टेड हैं, राइट. और इसका जो आईपी है वो है 10.1, और चलो शॉर्ट में ले लेते हैं 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 एंड 10.6.
वन सपोज इसको ले लेते हैं, राइट, गलती से हमने सेम आईपी दे दिया दो को, लेकिन ये अभी ये बात इसको इस पीसी को नहीं पता, तो ग्रेशियस आर्प से ये चीज हम चेक कर सकते हैं कि क्या पूरे नेटवर्क में कहीं और मेरी आईपी किसी और के पास है क्या, उस चीज को चेक करने के लिए ग्रेशियस आर्प का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यह बंदा क्या करेगा, ये जो पीसी ए है इसका मैक एड्रेस ए है, इसका मैक एड्रेस बी है, इसका सी है, इसका डी है, इसका ई है, इसका एफ है, ये एक ग्रेशियस आर्प रिप्लाई रेस्पॉन्स सॉरी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ग्रेशियस आर्प जी आर्प इसे बोलते हैं, इसको ये रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा, यहाँ पे ये सोर्स आईपी में अपना आईपी डालेगा, डेस्टिनेशन आईपी में अपना आईपी ही डालेगा, क्योंकि ये चेक करना चाहता है कि क्या मेरे जैसा कोई और बंदा है, तो उसी अगर होगा तो वो रिप्लाई कर देगा डेस्टिनेशन आईपी देख के, तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी ग्रेशियस आर्प में सेम डाली जाती है, ये आपको याद रखना है, रिक्वेस्ट के अंदर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी सेम होती है। उसके बाद यहाँ पे ये अपना मैक एड्रेस डालेगा और डेस्टिनेशन मैक में ये इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, डेस्टिनेशन मैक में ब्रॉडकास्ट करने से क्या होगा, ये स्विच पे सबके पास जाएगा, सभी सिस्टम के पास पहुंचेगा, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट मैक है तो ये सब पीसी रिसीव करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी को पढ़ेंगे। जब ये पीसी अपने डेस्टिनेशन आईपी को देखेगा कि यहां पे डेस्टिनेशन आईपी 10.1 लिखा है और मेरा आईपी 10.2 है, वो इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। ऐसे ही जब ये रिक्वेस्ट इस पीसी के पास पहुंचेगी, इसकी आईपी 10.3 है और डेस्टिनेशन 10.1 है, यानी 10.1 के लिए ये रिक्वेस्ट आई है, तो ये भी इसको रिजेक्ट कर देगा। ऐसे ये भी इसको रिजेक्ट कर देगा, ये भी इसको रिजेक्ट कर देगा। जब यही रिक्वेस्ट इस पीसी के पास पहुंचेगी तो इसका जो आईपी है वो 10.1 है और जो ये रिक्वेस्ट आई है ये भी 10.1 के लिए आई है, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा और बोलेगा यार अच्छा ये मेरा मैक एड्रेस पता करना चाह रहा है, क्योंकि इसने ब्रॉडकास्ट यहां पे मैक एड्रेस डाला हुआ है और ये रिक्वेस्ट है ग्रेशियस आर्प रिक्वेस्ट है, तो हालांकि उसको ये तो नहीं पता भाई नॉर्मल आर्प की तरह ही होता है, तो वो इसको आर्प रिक्वेस्ट मानेगा, ठीक है, ग्रेशियस आर्प तो हमें पता है हमने दोनों डाल के भेजे हैं, वो तो खाली डेस्टिनेशन आईपी चेक करेगा, तो एक आर्प रिस्पांस वो भेजेगा और आर्प रिस्पांस में वो क्या करेगा, वो जो आर्प रिस्पांस भेजेगा रिप्लाई, आप इसको आर्प रिप्लाई जो इसको भेजेगा उसमें वो क्या करेगा, सोर्स आईपी में अपना आईपी डाल देगा, डेस्टिनेशन में जहां से आया था तो ये आया था वो ये डाल देगा, वो इस चीज को नहीं देखेगा कि दोनों रिपीटेड है, ये चीज वो चेक नहीं करता, वो तो सोर्स और डेस्टिनेशन के हिसाब से चलता है, तो उसने सोर्स में सोर्स वाला डाल दिया, डेस्टिनेशन में अपना आईपी डाल दिया, सोर्स में जहां से आया था उसका मैक डाल दिया और डेस्टिनेशन में अपना मैक डाल दिया और यहां पे स्विच के पास फॉरवर्ड कर दिया। स्विच ने भी कैम टेबल में देखा कि ये रिक्वेस्ट कहां से आई थी, उसको स्विच ने वापस कर दिया, स्विच ने भी उसके डेस्टिनेशन पे भेज दिया 10.1 पे, स्विच ने इसको वापस क्यों नहीं भेजा, क्योंकि जहां से रिक्वेस्ट आती है स्विच वहां नहीं भेजता, तो स्विच ने भी 10.1 से ही आया था फिर भी उसको आगे भेजा दूसरी जगह, क्योंकि उसकी कैन टेबल में क्या होगा, स्विच की कैन टेबल में भी उसके पास उसको पता होगा कि 10.1 जो है वो ए पे भी पड़ा हुआ है, 10.1 जो है वो बी पे पड़ा है, तो अगर रिक्वेस्ट बी से आई है तो बी पे तो जाएगी नहीं, तो ऑब्वियसली ए पे जाएगी, तो स्विच ने वो ए को वापस कर दी रिक्वेस्ट। अब जब वो ए के पास वापस गई तो उसने देखा यार ये जो रिप्लाई है ये आना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये रिप्लाई आने का मतलब कि मेरे जैसा एक बंदा नेटवर्क में और है और उसको ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि इसका मतलब नेटवर्क में मेरी आईपी कहीं और भी किसी के पास है। ये एक्चुअली में ये ग्रेशियस आर्प हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पैकेट फॉरवर्ड नहीं हो रहे होते, किसी वजह से ड्रॉप हो रहे होते, आईपी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है या ये नजर आ रहा होता है कि कहीं पे नेटवर्क में एक आईपी और है, सेम आईपी आईपी कॉन्फ्लिक्ट कर रही है किसी के साथ, उस चीज में ग्रेशियस आर्प से ये चेक किया जाता है। तो अगर वो सेम अगर वो रिप्लाई पहुंचता है इसके पास, इसका मतलब यार कि मैंने तो सेम आईपी डाल के भेजी थी डेस्टिनेशन में, इसका मतलब मेरी आईपी कहीं और भी किसी को गलती से मिल गई है। सो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए ग्रेशियस आर्प का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ग्रेशियस आर्प आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट जो रह गई है दैट इज रिवर्स आर्प, अब हम उसको देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हमारे रिवर्स आर्प पे। तो रिवर्स आर्प जो है ये हमारी AR एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल की फोर्थ टाइप है, लास्ट टाइप है और ये बाकी से अलग है, क्योंकि बाकी के अंदर हम क्या कर रहे थे, बाकी के अंदर हम आईपी एड्रेस की हेल्प से मैक एड्रेस को रिजॉल्व कर रहे थे और मैक एड्रेस पता लगा रहे थे, बट इस केस में मैक एड्रेस हमें मालूम होगा और हम उसकी हेल्प से आईपी एड्रेस को ऑब्टेन करेंगे, यानी हम आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करेंगे, राइट। तो मैक एड्रेस हमें मालूम है और आईपी एड्रेस हमें चाहिए, तो ये उनसे अलग है, जस्ट अपोजिट है। वहां पे आईपी मालूम होता था, मैक पता करते थे, यहाँ पे मैक आपको मालूम है, आईपी आपको पता करना है। और ये जनरली इस्तेमाल होते हैं डिस्कलेस सिस्टम्स जो होते हैं, ऐसे कंप्यूटर जिनके पास अपनी खुद की आईपी नहीं होती और उन्हें मांगनी पड़ती है हर बार, जहां पे मैनुअली कन्फिगर नहीं होती, वो हमेशा डायनामिकली लेते हैं डीएससीपी सर्वर से, उस केस में वो आर्प रिवर्स आर्प रिक्वेस्ट सर्वर के पास भेजते हैं। रिवर्स आर्प RARP एक सर्वर बनाया हुआ होता है हमने, उनके पास भेजते
भेजते हैं और वो फिर DHCP सर्वर से उनको आईपी लेकर प्रोवाइड कराता है, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे मैंने थ्योरी भी लिख दिया, इट इज ए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। आपको याद रखना है आर्प जो था वो डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल था, लेयर टू प्रोटोकॉल था, बट रिवर्स आर्प नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि इसे सॉल्यूशन में क्या मिल रहा है, इसको आईपी चाहिए, जबकि उसमें उसे सॉल्यूशन में क्या चाहिए होता था, मैक एड्रेस चाहिए होता था, आईपी उसको मालूम होता था, तो उसको मैक चाहिए था, लेयर टू का एड्रेस चाहिए था, तो वो लेयर टू प्रोटोकॉल था। यहां पे इसको लेयर थ्री का एड्रेस चाहिए, तो ये लेयर थ्री प्रोटोकॉल है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आर्प लेयर टू का होता है और RARP लेयर थ्री का होता है, पर ये आर्प के अंदर ही आता है, इसीलिए ओवरऑल आर्प को अगर आप कहें तो 2.5 प्रोटोकॉल कह सकते हैं। अगर उन चारों को मिला के आप इसकी लेयर बोलेंगे तो वो 2.5 लेयर बन जाएगी, क्योंकि आर्प जो होता है वो 2 पे चलता है और RARP जो है वो लेयर 3 पे चलता है, तो दोनों को मिला के 2.5 भी कई बार कह देते हैं, ठीक है। इट इज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड टू ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस फ्रॉम अ गिवन मैक एड्रेस, ठीक है। आपको मैक एड्रेस मालूम होता है, उसकी हेल्प से आप आईपी एड्रेस लेते हैं। द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ RARP इज दैट ईच मैक एड्रेस मस्ट बी कॉन्फिगर्ड मैन्युअली ऑन अ सेंट्रलाइज्ड सर्वर, राइट। इसके लिए लिमिटेशन ये है कि जिनको भी आईपी देना है उनका मैक वहां पे सर्वर पे अपडेट होना चाहिए। RARP सर्वर को ये मालूम होना चाहिए कि ये मैक जो है ये मेरे से जुड़ा हुआ है, तभी वो उसको आईपी प्रोवाइड कराएगा, राइट। अदरवाइज वो उसको आईपी प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो ये एक बेनिफिट भी है, क्योंकि DHCP सर्वर अगर सबको आईपी दे देगा तो हर कोई नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएगा, तो आप मैनुअली वही आईपी सिर्फ अपने साथ कनेक्ट करके रखोगे जिन्हें आप आईपी प्रोवाइड कराना चाहते हो। तो मैनुअली यहां पे कॉन्फिगर करना पड़ेगा, यूजफुल फॉर डिस्प्लेक्स सिस्टम। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। आप यहां पे सपोज आपने एक राउटर बनाया है, इसके पास चार पीसी हैं कनेक्टेड हैं, यहाँ पे चार पीसी कनेक्टेड हैं, और उन चार पीसी में से आपने सपोज ये मेरा ए पीसी है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये इन चारों के मैक एड्रेस भी हैं। आप इसका मैक एड्रेस ए मान सकते हैं, इसका बी, इसका डी, इसका सी, और इस सिस्टम को मैंने RARP सर्वर बनाया हुआ है, एक कंप्यूटर को उनमें से मैंने RARP सर्वर की तरह काम करने के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है, राइट। तो ऐसे केस में जब इस पीसी को नहीं मालूम कि भैया मेरे को जो है आप दीजिए, मेरे को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करके दीजिए, तो ये क्या करेगा, ये राउटर के पास एक रिवर्स आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा, राइट। ये एक रिवर्स आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा राउटर के पास, और राउटर उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा RARP सर्वर के पास। RARP सर्वर के पास जब वो जाएगी तो यहाँ पे ये इसने अपना इस RARP रिक्वेस्ट में इसने क्या भेजेगा, ये अपना मैक एड्रेस भेजेगा, राइट। और राउटर इस मैक एड्रेस को फॉरवर्ड कर देगा आगे। ये राउटर काइंड ऑफ जो आपके वो लगे हुए होते हैं ना, जो आपके घरों में भी जो मॉडेम लगे हुए होते हैं, वो भी हो सकता है, राइट। तो ये वो हो सकता है। तो यहाँ पे ये राउटर इसको आगे फॉरवर्ड करेगा RARP सर्वर के पास, और वो इस मैक एड्रेस को अपने टेबल में एंटर करेगा और इसे करस्पॉन्डिंग एक आईपी एड्रेस जो है वो प्रोवाइड कराएगा DHCP सर्वर से लेके। तो यहाँ पे DHCP सर्वर लगा हुआ होगा और इससे वो एक आईपी लेगा और इस लेने के बाद इसको आगे प्रोवाइड करा देगा, राइट। तो वो वो जो आईपी है वो इसको मिल जाएगी, और ये जो आईपी जिस मैक के करस्पॉन्डिंग दी गई है वो DHCP सर्वर के टेबल में एंटर कर दी जाएगी, अपडेट कर दी जाएगी, और ये आईपी इसको भेज दी जाएगी और फाइनली इसको आईपी रिसीव हो जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है, तो आईपी जब इसको चाहिए होती है तो ये रिक्वेस्ट करता है राउटर को, राउटर उसे RARP सर्वर के पास भेजता है, RARP सर्वर जो है वो DHCP सर्वर से आईपी लेकर और उसको आगे फॉरवर्ड करता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो RARP का कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपको आईपी की जरूरत होती है। तो जितने भी सिस्टम होते हैं एक नेटवर्क के अंदर, उन्हें अगर आईपी चाहिए तो वो इस तरीके से ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपने मैक एड्रेस, अपने मैक एड्रेस के बेसिस पे वो ले सकते हैं। आई होप RARP का कॉन्सेप्ट आपको पूरे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कहीं पर भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि मैंने उसमें कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो शायद आप अगर लाइव बैठे हुए होते तो आप उसी टाइम पूछ के क्लियर कर लेते। अभी जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ यही है कि उस वीडियो को दोबारा, उस 5-7 मिनट के स्टेप को दोबारा एक बार देखें, क्योंकि मैंने उसको इस तरीके से समझाया है कि वो बात मैंने इस तरीके से बोली है कि वो आपको समझ जरूर आएगी, वहां पे कुछ डाउट बचेगा नहीं। हर बात मैंने बताई है आपको, किस केस में सबनेट कहां पे है, तब कौन सी आईपी होगी, नेटवर्क अलग है। अगर आपको सबनेटिंग थोड़ी सी भी क्लियर नहीं है या आईपी आपको नहीं मालूम है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके मेरी आप सीक्वेंस में देखना शुरू करिए। आईपी एड्रेस की वीडियो देखिए, उसके बाद सबनेटिंग की वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 1% का भी डाउट इस वीडियो में नहीं बचेगा। एक और मैं हिदायत आपको देना चाहता हूं, कई लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपके जो वीडियो है वो सीक्वेंस में नहीं है। मैं जानता हूं मैंने उन पे किसी तरीके की लेबलिंग नहीं करी है कि दिस इज लेक्चर 1, दिस इज लेक्चर 2।
बट आपको फॉलो क्या करना है, आपको मेरी प्लेलिस्ट के लेक्चर की सीक्वेंस फॉलो करनी है। प्लेलिस्ट में जिस सीक्वेंस में मेरे लेक्चर अपलोडेड है या मैंने किए हुए हैं, मैं उनको सेट करके रखता हूं उसी हिसाब से सीक्वेंस में, आपको उसी सीक्वेंस में मेरे लेक्चर देखने हैं। मैंने अपने लेक्चर इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं एक टॉपिक की 10 वीडियो ना बनाऊं, एक ही वीडियो में वो बना दूं, राइट। क्योंकि मेरा वो पर्पज नहीं है कि मैं ज्यादा ज्यादा वीडियो बना के ज्यादा व्यूज बनाऊं, राइट। मेरा पर्पज है एक ही वीडियो में आपका काम एकदम से क्लियर हो जाए, आपके डाउट एकदम से क्लियर हो जाए, आप उसे अपने मोबाइल में कैरी करके ले जा सकें, वीडियोस को आप कहीं पर भी देख सकें, ट्रेन में, बस में आप मेरे वीडियोस को चलते फिरते देख सकें, राइट। तो मैंने उनको बड़े इजी वे में बनाने की कोशिश करी है। कहीं अगर कोई डाउट है, कोई मसला है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइए। और यार गुजारिश यही करूंगा, आपको भी दिख रहा है इतना हार्डवर्क करने के बाद पसीना मुझे लिटरली अभी भी आ रहा है, आप देख रहे हैं, राइट। तो यार मेरी गुजारिश यही है कि आप थोड़ा सा दिल खोल के मेरे वीडियोस को अपने फेसबुक पे जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर करें। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, क्योंकि मेरे इतनी मेहनत के बाद भी मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है और मुझे भी कई बार थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है कि यार मैं क्यों ये वीडियोस बना रहा हूं, इससे तो ठीक है मैं नहीं भी बनाऊंगा तो मैं कमा सकता हूं बढ़िया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि यार जब आप मुझे कमेंट करते हैं, जब आप कहते हैं कि सर आपसे पढ़ के मतलब हमें बड़ा अच्छा लगता है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको 100 लाइक देना भी कम है, तो मैं सिर्फ एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग मेरी इस बात को दिल से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अगर किसी और को भी नहीं फॉरवर्ड कर सकते तो आप खुद 5 मिनट का टाइम निकाल के मेरे सभी वीडियोस को लाइक जरूर करें, राइट। आप अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप मेरे सभी वीडियोस को 5 मिनट का टाइम निकाल के जस्ट लाइक करते चले जाएं, हार्डली 5 मिनट लगेंगे, एंड ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी अगर आप मेरे लिए इतना भी करते हैं, राइट। आप मेरे सभी वीडियोस को पर्सनली लाइक जरूर करिए, आपने भले ही मेरा ये लेक्चर देखा बट 5 मिनट का टाइम निकाल के मेरे बाकी वीडियोस को भी जरूर आप लाइक करें, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट होगा आपकी तरफ से, एक ट्रिब्यूट होगा आपकी तरफ से, राइट। बाकी चलिए, ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।